हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन बॉलीवुड और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की। जी हां, हम यहां पर उनकी किसी फिल्म को लेकर बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है फिलहाल ये तो वही जानते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा देश इस वक्त कोरोना का कोहराम झेल रहा है, ऐसे में हर कोई अपनी अपनी तरफ से मदद कर रहा है। कई सेलिब्रिटीज अब तक सामने आ चुके हैं मदद के लिए, लेकिन किंग खान आखिर क्यों नहीं आ रहे थे, ये सवाल बार बार जहन में सामने आ रहा था। लेकिन अब इसका भी जवाब सामने आ गया है क्योंकि शाहरुख खान ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। वो क्या मदद है वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपने NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपके किसी दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी बता दीजिए कि हर खबर के लिए वो NN बॉलीवुड को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकता है। और साथ ही जो बेल इस वक्त आप देख रहे हैं उसे प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इस बेल को प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन के तौर पर आपके सामने वो तमाम रिपोर्ट सामने आ जाएंगी जो कि हम आपके सामने रखने के लिए अपलोड करते हैं। तो देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना से जंग में शाहरुख खान ने बीते दिनों देश के लिए राहत कोष में डोनेशन देने के लिए कई ऐलान किए थे, लेकिन अब शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान ने अपनी 4 मंजिला पर्सनल ऑफिस को क्वारंटीन केंद्र बनाने की पेशकश की है। पूजा ददलानी ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा, मुंबई के लोगों, ये एकजुट होने का समय है, चलो एक साथ मिलें और इससे लड़ें। शाहरुख खान की तरफ से ये एक निस्वार्थ कदम है जो मेरे और आसपास के लोगों के लिए मिसाल कायम करेगा। वहीं मुंबई की BMC ने भी इस पर ट्वीट किया है। शाहरुख के इस कदम पर BMC ने रिएक्शन देते हुए लिखा, हम शाहरुख खान और गौरी खान को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जरूरी सामानों से लैस अपनी इस 4 मंजिला निजी कार्यालय की पेशकश क्वारंटीन बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों के लिए की है ताकि हमारी क्वारंटीन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। उनकी ये मदद विचारशील है और ये हमें समय से मिली है। इससे पहले भी शाहरुख खान ने कोरोना वायरस से मदद के लिए 7 ऐलान किए थे। शाहरुख खान ने पहला डोनेशन PM केयर्स फंड में दिया, दूसरा योगदान महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष, तीसरा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, चौथा योगदान संस्था एक्सर द अर्थ फाउंडेशन को दिया जिसके तहत 5500 परिवारों को महीने तक मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा, पांचवा रोटी फाउंडेशन को दिया जो हर दिन 10,000 लोगों को 1 महीने तक 3 लाख खाने की किट उपलब्ध कराएगा, छठा योगदान संस्था वर्किंग पीपल्स चार्टर को दिया जिसमें दिल्ली के 2500 डेली वेज वर्कर्स तक राशन और खाने की चीजें पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही शाहरुख खान ने 7वें योगदान में एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए मास्क वेतन देने की भी बात कही। शाहरुख खान के इस मदद के बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने उनका शुक्रिया अदा किया। केजरीवाल ने ट्विटर पर शाहरुख खान को टैग करते हुए लिखा, शुक्रिया शाहरुख जी, आपका धन्यवाद, इस कठिन समय में आपके उदार योगदान से कई जिंदगियों का भला होगा। केजरीवाल के इस ट्वीट पर शाहरुख खान ने भी रिप्लाई किया, उन्होंने लिखा, सर आप तो दिल्ली वाले हो, थैंक यू मत करो, हुक्म करो, अपने दिल्ली वाले भाइयों और बहनों के लिए हम लगे रहेंगे, ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही संकट से हम जीत कर निकलेंगे, आपकी मेहनती टीम को ईश्वर और शक्ति दे। बता दें कि दुनिया के साथ साथ अब कोरोना वायरस भी भारत में तेजी से पैर पसार चुका है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक कई जाने जा चुकी हैं और इस वायरस से ग्रसित लोगों की तादाद 3,000 को भी पार कर चुकी है। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में शाहरुख खान ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाकर लोगों के दिलों को जीत लिया। उनके इस कदम की खूब तारीफ हो रही है। तो देखा आपने, शाहरुख खान को यूं ही किंग खान नहीं कहा जाता है। जिस तरह से फिल्मों में वो दिलदार किरदार निभाते हैं ठीक वैसे ही कोरोना पीड़ितों के लिए उन्होंने अपना खजाना खोला है, उन्होंने ये मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है जिसका हम सभी सलाम करते हैं और लगातार आपसे यही कह रहे हैं कि देखिए सेलिब्रिटीज तो अपने अपने हिसाब से मदद कर रहे हैं, अगर आप भी इंसानियत को धर्म मानते हैं और किसी तरह की मदद कर सकते हैं तो मदद जरूर करिएगा। NN बॉलीवुड आप देखते रहें।